नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ नांगली विधानसभा के पीरागढ़ी वार्ड 50 में। हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद शौकीन जी से सीधी बात करेंगे। सर आपका स्वागत है विनोद भाई स्टार सिटी न्यूज में। जी धन्यवाद सर। मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जीवन है लगभग कितने वर्षों से जुड़ा है आपका? जी लगभग 30-32 वर्ष मुझे हो चुके हैं इस राजनीतिक क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए। निरंतर हमारी पार्टी के लिए गतिविधियाँ जारी रहती हैं और क्षेत्रीय जनता। सर दुर्भाग्यवश जैसे कि आपने कहा कि आप 30-35 साल तक राजनीति कर रहे हैं और उसके बीच 93-97 की सरकार थी बीजेपी की दिल्ली में, उसके बाद से दिल्ली में सर सरकार नहीं बन पाती, इसकी वजह जानना चाहते हैं। सर इसकी वजह पहले तो कहता हूँ आपके 15 साल सुशीला दीक्षित जी दिल्ली की गद्दी पर बैठी, उस समय दिल्ली के अंदर कुछ विकास कार्य जैसे आप देखते हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता, सुशीला जी द्वारा किए गए, उन्हीं को देखते हुए उनको जनता ने आगे भी मौका दिया। लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन अन्ना हजारे जी ने चलाया था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सहयोग उस आंदोलन में अन्ना हजारे जी के लिए किया। हम सभी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, उस आंदोलन को कामयाब करवाने के लिए दिन रात हमने मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको कैश करने के लिए केजरीवाल जी ने अपना चेहरा बदला और वो उसको कैश करने में कामयाब हो गए। पहली सरकार उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से बनाई, 49 दिन में सरकार गिरा कर दिल्ली की जनता ने दोबारा उनके ऊपर विश्वास किया। लेकिन आज दिल्ली की जनता पछता रही है कि कोई भी वादा कि मैं दिल्ली के अंदर 500 स्कूल बनाऊंगा, 50 कॉलेज बनाऊंगा, सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, फ्री में वाईफाई दूंगा, कोई भी वादा उन्हें हॉस्पिटल बनाऊंगा, सारे झूठे वादे आज दिल्ली की जनता पछता रही है ऐसे मुख्यमंत्री को। अच्छा विनोद जी, कैसे आप देख रहे पूरे कोरोना काल को देखते, आपका क्या सोच है जो करना कि देखिए हमारे मेरे पास उस समय मंडल अध्यक्ष का दायित्व था, पार्टी की तरफ से भी जो भी गाइडलाइंस हमें दिन प्रतिदिन मिलती रही उन गाइडलाइनों के आधार पर भी हमने जनता के लिए, क्षेत्र जनता के लिए काम किया। और एक अपना व्यक्तिगत रिलेशन या क्षेत्रीय जनता के दुख सुख में हमेशा हम साझेदार रहे हैं, तो गरीब व्यक्तियों के लिए सूखा राशन वितरण करना, दवाइयों का प्रबंध करना, अपने यहीं पर मैंने कंप्यूटर लगाकर बाद में रेलवे की टिकटें प्रोवाइड कराई गरीब आदमियों के लिए, जिस तरह की सेवा पार्टी की तरफ से मिली। मोदी जी ने जैसे कहा कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जैसे दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो थे, होमगार्ड के जवान हैं, डॉक्टर्स हैं, इनका सम्मान हम फूल वर्षा करके करें, वो काम भी मैंने किए। क्षेत्र में जिस तरह का भी जो भी आदेश हमें ऊपर से मिला और अपनी तरफ से जो हम उचित समझते थे कि इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है, बैंक कर्मचारियों को हौसला अफजाई करना था, हर काम मैंने बखूबी निभाया। सर नामली विधानसभा को लेकर चर्चा कर लेते हैं, अभी यहाँ के लिए विधायक हैं रविंद्र सुखी जी, दो बार यहाँ के विधायक चुने गए हैं, क्या कार्य है क्षेत्र को लेकर? कार्य विधायक जी का मैं क्या बताऊँ, विधायक जी के नाम पर तो वोट मिली नहीं थी, वोट मिली थी फ्री पानी बिजली हाफ पानी माफ के नाम पर, उसी को लेकर एक इतना बड़ा समर्थन केजरीवाल जी को मिला कि जिसको भी टिकट मिल गई कोई जीत कर आ गया। बाकी हमारे गांव में आज तक विधायक जी की तरफ से उंगली रख कर बताने के लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ कि जिसको हम कह सकें कि ये कार्य विधायक जी ने कराया। किन किन समस्या से जनता यहाँ जूझ रही है पीरागढ़ी गाँव में? देखिए तो बरसात के समय हमारे रामलीला मैदान के आसपास तालाब बन जाता है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, और पीरागढ़ी के मेन चौक के ऊपर मैंने 2-3 बार डिमांड रखी है कि FOB फुट ओवरब्रिज बनाया जाए, क्योंकि हजारों लोग वहाँ से प्रतिदिन अपनी जान हथेली पर रखकर रोड क्रॉस करते हैं। उसके बाद मेरे वार्ड में ही आते हैं भीमनगर, उद्योग नगर कैंप नंबर 1 और कैंप नंबर 2, इन तीनों झुग्गी कैंपों की सेवा बस्तियों की आबादी लगभग 25-30 हज़ार है, और उनके अंदर आज तक एक प्राइमरी विद्यालय बनवाने भी असमर्थ रहे हैं जो भी सरकार रही हो, केजरीवाल जी ने भी वादे किए। वहाँ पे आज भी मैं कहूँगा कि कई हज़ार बच्चे प्राइमरी शिक्षा से भी वंचित हैं,
ये भी मैं बार बार आवाज उठाता रहा हूँ, चाहे टेंट के अंदर स्कूल चालू किया जाए लेकिन उन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। विनोद जी, जैसे अभी जो नई टीम गठित हुई है, मंडल बने हैं, जिला बने हैं, अगर हम आपकी जिला भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बजरंग शुक्ला जी बने हैं, कैसा लगता है आने वाला समय कैसा रहेगा, फ्यूचर में संगठन कितना मजबूती होता है? देखिए, हमारे नए जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी काफ़ी अनुभवी हैं, बहुत लंबे समय से संकट के लिए संगठन के लिए वो काम कर रहे थे। सभी लोग उनके साथ जुड़कर संगठन का कार्य निरंतर कर रहे हैं और आगे मैं जैसा उम्मीद करता हूँ कि वो पूर्वांचल से उनका नाता है, पूर्वांचल के भाइयों को आगे बढ़ाते हैं तो संगठन को और मजबूती मिलेगी। विनोद जी, जैसे आपका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है कंपनियों के 25 साल का, अगर भविष्य में पार्टी टिकट दे आपको वार्ड नंबर 50 से तो आपके नाम लड़ने की इच्छा जी? देखिए, मैंने अभी पहले तो मैं अपना बताऊं कि मेरा ये वार्ड एससी रिजर्व होता था और मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए पहले प्रयास करना हमारा व्यर्थ था। पिछले 2017 के चुनाव में मैंने प्रयास किया था लेकिन मेरे वार्ड से ही हमारे जिला अध्यक्ष उस समय विनय रावत जी थे, उनका दावा मजबूत था इसलिए टिकट उनको मिली। हमारी जीत यहाँ पे सुनिश्चित थी, ये वार्ड भाजपा का वार्ड कहलाता है, लेकिन इस बार जो भी होगा भरसक प्रयास करेंगे। पार्टी अगर हमें उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारती है तो चुनाव लड़ने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए सब तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सीट ढूंढने में तो दोबारा अध्यक्ष गुप्ता जी और जी अध्यक्ष में है, क्या लगता है संगठन कितना मजबूती और जा रहा है? मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा उदाहरण की बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पेश किया है। श्री आदेश गुप्ता जी जो आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 2017 में भी वो मेरे साथ मंडल अध्यक्ष थे। ये भाजपा में ही संभव है कि जमीनी कार्यकर्ता को ऊपर की सीट पर या सीट नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की क्या समस्याएं हैं ये हमें आदेश गुप्ता जी को बतानी नहीं पड़ेंगी, वो एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की समस्या से वाकिफ हैं। इसलिए ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़कर आगे बढ़ाने में हमारा दिल्ली प्रदेश कामयाब रहेगा। यह हमारी सीधी बात विनोद शॉपिंग स्टार सिटी के साथ।